Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari and in this video we are going to discuss about the concept of RIBA. RIBA ka matlab kya hota hai aur kya 6-7 point hai jo ki important hai RIBA ko janne ke liye. Aur exam mein saath saath agar aapko poocha jaye to kya isme se in 7 point mein se aap 4 se 5 point exam mein likh sakte hain. So the very first thing about the RIBA is RIBA ka matlab hota hai interest. Jab aap kisi ko paisa dete ho to us pe jo wapas lete ho extra return ya extra paise jo lete ho principal pe uska matlab hota hai interest. Isi ko Islamic finance mein RIBA kaha jata hai. Pehla point. Dusra point. Islamic finance mein RIBA ko haram kehlaya gaya hai. RIBA is prohibited in Islamic finance. इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो उसके ऊपर में वापस आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते. जनरली यह माना जाता है कि रीबा चार्ज करना या रीबा लेना या इंटरेस्ट लेना यानी कि आप बिना किसी मेहनत के रिवॉर्ड पाना चाहते हो, लिटिल रिस्क या थोड़ी सी मेहनत, बिल्कुल थोड़ी सी या बिना किसी मेहनत के आप इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हो सामने वाले से या रिवॉर्ड पाना चाहते हो, विच इज प्रोहिबिटेड इन इस्लामिक फाइनेंस एंड दिस शुड नॉट बी अलाउड. ठीक है, सो पहली चीज हमने मीनिंग देख ली और दूसरी चीज ये देखी कि भैया ये अलाउड नहीं है. सो द फर्स्ट थिंग वॉज इन इस्लामिक फाइनेंस द मीनिंग ऑफ रीबा इज इंटरेस्ट. रीबा इज इंटरेस्ट. सेकेंड थिंग इज इस्लामिक फाइनेंस में मनी इज कंसिडर्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी यानी पैसा क्या है, पैसा को एक जरिया माना गया है एक्सचेंज का, स्टोर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ मेजरमेंट ओनली. हेंस दिस इज कंसिडर्ड एज हराम. ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट. अब तीसरा पॉइंट हो गया कि रीबा ऐसा माना जाता है कि आप गलत तरीके से या गलती से नहीं, सॉरी, गलत तरीके से किसी और की प्रॉपर्टी आपने ले ली. सो रीबा को इससे कंपेयर किया गया, मतलब गलत तरीके से किसी और की चीज जब हम हासिल कर लेते हैं, किसी और की चीज हासिल करना इज रॉन्गफुल ना, गलत तरीका है, तो इसको रीबा से कंपेयर किया गया. और अगर ये चीज रीबा है तो ये गलत है, इसको अलाउड नहीं करना चाहिए. एंड दैट इज व्हाट इज रिटन इन इस्लामिक फाइनेंस. सो रीबा इज इक्वेटेड विद द रॉन्गफुल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अदर, गलत किसी और की प्रॉपर्टी हासिल करना. इसीलिए बोला गया है कि क्या बोलते हैं, जो डिपॉजिटर्स है, जो लेंडर्स है, उन्होंने सिर्फ प्रिंसिपल ही एक्सेप्ट करना चाहिए वापस में, ना कि उस पर रीबा एक्सेप्ट करना चाहिए. एंड अब इंटरेस्ट आपने अलग अगर अलाउड नहीं किया तो नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि देयर शुड बी अ लिंक बिटवीन द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द प्रॉफिट. क्योंकि आप अमाउंट देने के बाद में, आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद में इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन उस पैसों से अगर सामने वाला कुछ प्रॉफिट कमा रहा है बिजनेस करके, तो उस प्रॉफिट में मेरा हिस्सा बनना चाहिए, तभी तो मैं उसको पैसे दूंगा. वरना मेरे को अगर इनकम ही नहीं है, मेरी एक इनकम का जरिया कन्वेंशनल फाइनेंसिंग में क्या होता है कि इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट अगर अलाउड नहीं है तो एटलीस्ट प्रॉफिट में तो उसके शेयरिंग मिले. सो देयर शुड बी अ लिंक बिटवीन मनी एंड द प्रॉफिट. Hence, we consider in the next point as कि जो money है, it doesn't have any time value, because आज का 100 रुपये कल के 100 रुपये के बराबर ही है, because इस पर कोई interest allowed ही नहीं है. So there is no intrinsic value for the money that the principal is giving to the other party. तो ये 6 point हो गए. Last point is related to the relationship between the lender, depositor and the bank. What is the relationship? जो पैसा देने वाला होता है एक, और जो पैसा लेने वाला होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है. रिलेशनशिप है आपका कि प्रिंसिपल और एजेंट का, रिलेशनशिप है आपका डिपॉजिटर और कस्टडियन का, रिलेशनशिप है आपका जॉइंट वेंचर पार्टनर्स का, रिलेशनशिप है इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर का. मतलब लेंडर और उस पर इंटरेस्ट देने वाले, ये रिलेशनशिप नहीं है. हमारे बीच जो रिलेशनशिप है कि मैंने उसको पैसा दिया, आई एम द डिपॉजिटर, ही इज द कस्टडियन ऑफ दैट डिपॉजिट, आई एम द इन्वेस्टर एंड ही इज द एंटरप्रेन्योर हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट दैट मनी, सो वी बोथ आर गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट. हमारे बीच में रिलेशनशिप है जॉइंट वेंचर पार्टनर्स का, सो वी बोथ आर गोइंग टू शेयर द रिस्क एंड द प्रॉफिट. हमारे बीच में रिलेशनशिप है प्रिंसिपल का और एजेंट का, so I am going to share the risk in that. I am only the only one, I am not his. अगर principal agent का relationship आता है तो, so this is the next point, the relationship. The first relationship is
principal and agent, second relationship is depositor and custodian, third relationship is investor and entrepreneur, and the last relationship is fellow joint partner. So these are all the 7 points that you need to write if the question comes in exam, that write short notes on RIBA. So the first point, jisme aapne pehle kya dekha, sabse pehle meaning, theek hai, main yahan pe likh deta hu. सबसे पहले वाले पॉइंट था मीनिंग के बारे में, दूसरा पॉइंट है हराम के बारे में, ये आपको आसानी से याद रहेगा, तीसरा पॉइंट है रॉन्गफुल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, रॉन्गफुल अप्रोप्रिएशन, यहाँ पे सिर्फ आप प्रिंसिपल ही एक्सेप्ट कर सकते हो इन रिटर्न, यहाँ पे लिंक होना चाहिए मनी एंड प्रॉफिट का, ठीक है, यहाँ कोई टाइम वैल्यू नहीं होती पैसों की, और यहाँ हो गया रिलेशनशिप. सो ये सात चीज़ें अगर आप याद रखो तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दी 7 पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग, सेकंड इज हराम, थर्ड इज रॉन्गफुल अप्रोप्रिएशन, फोर्थ इज प्रिंसिपल, नेक्स्ट इज मनी एंड प्रॉफिट, नेक्स्ट इज आपका, मैं भी भूल गया, रुको 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 रुको, याद करने दो, नो टाइम वैल्यू, एंड द लास्ट वन इज रिलेशनशिप. सो दीज आर द 7 पॉइंट्स, नोट इट डाउन, एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू थिंग टू डिस्कस. बाय बाय.